दोस्तों, आज के वक्त में कुछ भी सीख नया जानना बहुत ही आसान हो चुका है। आपको बस अपना फोन निकाल कर इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखनी है, बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पॉडकास्ट सुनने हैं और आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम इतना कुछ सीख तो लेते हैं पर जरूरत के टाइम पे हमें वो ठीक से याद ही नहीं रहता। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो, या आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी ही कोई वैल्यूएबल वीडियो देख रहे हो, वक्त बीतता जाता है लेकिन इन्फॉर्मेशन मेमोरी में रहने के बजाय धीरे धीरे इरेज होने लगती है। अच्छा, इमेजिन करिए कि कोई एक ऐसी सुपर पावर होती या कोई मेमोरी हैक जिससे आप जल्दी से जल्दी कुछ भी समझ के सीख जाओ और फिर उसे कभी ना भूलो, वो आपको हमेशा याद रहे। वेल, एक ऐसा हैक है जिसके बारे में आज आप जानेंगे और इस वीडियो में बताए जाने वाले तरीके पूरी तरह से साइंटिफिकली बेस्ड होने वाले हैं, तो वीडियो फुल फोकस के साथ एंड तक देखना और पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल भी मिस मत करना। सो नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड लर्निंग एंड हाउ टू लर्न। दोस्तों, हमारे ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब भी ब्रेन को किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसे ढूंढता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप सोते हो तो आपका ब्रेन लास्ट 24 घंटे में जमा करी गई सारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को धीरे धीरे अपने आप डिलीट कर देता है और साथ ही जो मेमोरीज इसे इम्पोर्टेंट लगती हैं वो उससे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करता जाता है, जिससे जब आपको उसकी जरूरत हो आपको वो याद रहे। ये होता है एक बेसिक लर्निंग का प्रोसेस और इस पूरे प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट लर्निंग। ईयर 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी करी गई थी जहां रिसर्चर्स ने एक क्लास के स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि उन्हें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर्स के नोट्स अपने हाथों से पेन और पेपर पे लिख के बनाने हैं। वहीं सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स को कहा गया कि उन्हें टाइप करके फोन, टैब या लैपटॉप पे नोट्स बनाने हैं। अब क्योंकि टाइप करके नोट्स बनाना नोट टेकिंग के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है जिसमें कम एफर्ट लगता है, जिससे हुआ ये कि सेकंड ग्रुप ने सेम टाइम में फर्स्ट ग्रुप से दो गुना ज्यादा नोट्स बनाए। इस स्टडी का पूरा एम यही था कि कौन से मेथड से सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, जिसमें ये देखा गया कि पहला ग्रुप जिसने हाथों से पेन पेपर पर नोट्स बनाए थे उन्होंने उन लोगों से दो गुना ज्यादा अच्छा स्कोर करा जिन्होंने टाइप करके नोट्स बनाए थे। रिसर्चर्स ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने नोट्स बनाने में सेकंड ग्रुप से ज्यादा एफर्ट करा था, जिस वजह से उनके पास उस इन्फॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस करने का ज्यादा टाइम था। और किसी भी चीज को तेजी से सीखने का एक यही सीक्रेट है, आप जितना ज्यादा जल्दी किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर पाओगे आप उतने ही ज्यादा तेजी से चीजें सीखोगे और इसे करने के लिए आपको उस इन्फॉर्मेशन को सीखने में और ज्यादा एफर्ट डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने बुक का एक पेज पढ़ा और अगला पेज पलटते ही आप भूल गए कि आपने क्या पढ़ा था और आपने यूट्यूब पे कोई ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो देखी और वीडियो खत्म होते ही कुछ घंटों या दिनों के बाद आप भूल गए कि आपने क्या क्या सीखा था। लेकिन वहीं अगर आप पढ़ते वक्त या किसी भी सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन को लेते वक्त उसके साथ साथ एक पेज में नोट्स बनाते हैं, उस पेज को बार बार पढ़ते हो या एक वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को अपने माइंड में एक बार समराइज करते हो या कमेंट करके आपने जो सीखा उससे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो, तो आप हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही कॉन्शियस रहते हो और आप हर एक चीज में ज्यादा फोकस और ध्यान देते हो बजाय घंटों माइंडलेसली कई वीडियोस देखने के या पेजेस पढ़ने के। इवन फाउंडर ऑफ क्विक लर्निंग एंड ब्रेन कोच जिम क्विक भी पेन एंड पेपर से लिखे गए नोट्स को ही फास्ट लर्निंग का सबसे पावरफुल तरीका मानते हैं और अपने लाखों स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको हर एक चीज के पेन और पेपर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना चाहते हो सिर्फ उसके ही पेन और पेपर से आप फिजिकल नोट्स बनाओ और फिर उसे बार बार देखो। वहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जिसे आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है उसे आप किसी टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फॉर्म में भी बना के रख सकते हो। और अगर आपको अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स को बनाना है, प्रोफेशनल वर्क करना है, नोट्स या रिसर्च पेपर्स पर काम करना है, इन सभी के लिए वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट्स आपकी बहुत हेल्प कर सकता है जो आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव करेगा और आपके काम को और ज्यादा बेटर बनाएगा। इसमें आप पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर सकते हो, जेपीजी, वर्ड या पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो और पीडीएफ्स को वर्ड, एक्सेल या पीपीटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी पीडीएफ फाइल पे साइन करना है, उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो इस एक ऐप से आप ये सभी काम कर सकते हो। ये ऐप आपको डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब तीनों जगह मिल जाएगी, इसीलिए नीचे दिए गए लिंक से आप वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट्स को डाउनलोड करो और प्रोडक्टिव बनो। साथ ही किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको अपने एफर्ट्स को भी बढ़ाना होगा, जिसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। नंबर 2, द स्टिक मेथड, हाउ टू इंक्रीज योर एफर्ट्स। नाउ, अब हम आपके साथ एक साइंस बेस्ड इफेक्टिव फ्रेमवर्क शेयर करने वाले हैं, जिसका यूज करके अगर आप कुछ भी सीखो तो इसकी गारंटी है कि आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर पाओगे और ज्यादा तेजी से कुछ भी सीख पाओगे।
इस फ्रेमवर्क का नाम है स्टिक, जहां एस स्टैंड करता है स्पेसिंग के लिए। एक स्टडी में कुछ लोगों के दो ग्रुप्स क्रिएट करे गए, जहां उन्हें स्पेनिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स को याद करने को दिए गए। अब हुआ ये कि एक ग्रुप को उन वर्ड्स को याद करने के लिए एक ही दिन दिया गया, जहां उनके पास सिर्फ 8 घंटे थे उन सभी वर्ड्स को याद रखने के लिए। वहीं दूसरे ग्रुप को एक दिन में 4 घंटे दिए गए और 1 महीने बाद उन्हें 4 घंटे और दिए गए। अब दोनों ही ग्रुप ने इन वर्ड्स को याद करने में 8 घंटे स्पेंड करे। बस फर्क इतना था कि एक ग्रुप ने एक ही बारी में लगातार पूरे 8 घंटे इन वर्ड्स को याद रखने में मेहनत करी। वहीं दूसरे ग्रुप ने स्पेसिंग मेथड का यूज करा और इसे सीखने के लिए 1 मंथ का स्पेस ले लिया, जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। 8 साल बाद इन दोनों ग्रुप्स को वापस बुलाया गया और उनका एक टेस्ट लिया गया, जहां रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि 8 साल पहले 8 आवर्स की लर्निंग में उन्हें कितना याद है। जिसका रिजल्ट ये आया कि सेकंड ग्रुप, जिसने स्पेस्ड प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने पहले ग्रुप से 250% ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा। इस स्टडी से साइंटिस्ट ने द फॉरगेटिंग कर्व के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करा, जिससे ये साबित हुआ कि हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि अगर आप एक मेमोरी को एक पीरियड के बाद रिविजिट नहीं करोगे तो वो मेमोरी फेड हो जाएगी। इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर करने के लिए आपको गैप दे दे के उस चीज को याद दिलाना होगा। टी स्टैंड करता है टेस्टिंग के लिए। 2011 की जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग, एक क्लास में एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को अपने नोट्स को 3 बार रिव्यू करने को कहा गया, जहां उन्होंने अच्छे से रिवीजन करी और 3 बार अपने नोट्स को बार बार पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपना फाइनल एग्जाम दिया, जिसके बाद ये पता चला कि उस क्लास में स्टूडेंट्स ने बहुत एवरेज परफॉर्म करा, जहां सभी स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर C+ था। बट वहीं सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो एग्जाम से पहले 3 मॉक टेस्ट देंगे, जहां उन्हें एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉप क्विजेस दिए जाएंगे, जो उनके नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो रिविजन करने के बजाय उन्होंने 3 बार मॉक टेस्ट दिए, जिसके बाद इन स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर A- था, जो पहले ग्रुप के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा हाई था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आप बार बार एक चीज को पढ़ते हो तो आप नॉलेज को और ज्यादा अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हो, बट एग्जाम्स में या आपकी जर्नल लाइफ में आपका टास्क ये नहीं होता है कि आपको नॉलेज को स्टोर करना है, बल्कि आपको उस टाइम पे अपनी नॉलेज को याद करके उसे यूज करना होता है। और सेल्फ टेस्ट करके अपने आप को टेस्ट करते रहने से आप अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करते हो। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं या कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन को बस याद रखने के बजाय अपनी नॉलेज को टेस्ट करो कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है या मैं इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूँ। आई स्टैंड करता है इंटरलीविंग के लिए। इमेजिन करो कि आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्पेनिश सीख रहे हो, जहाँ आपने एक न्यू स्पेनिश फ्रेज सीखा, तो क्या आप उसका मीनिंग समझ के उसे बार बार बोल बोल के याद रखने की कोशिश करोगे, उसके बाद किसी दूसरे फ्रेज पे जाओगे? बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइंस ऑफ लर्निंग ये तरीका गलत है। अगर आप एक स्पेनिश फ्रेज को सीखना चाहते हो तो आपको उससे रिलेटेड कई सारे फ्रेजेस को एक साथ सीखना होगा। जहां आपने स्पेनिश में गुड मॉर्निंग बोलना सीखा तो बार बार बुएनोस डियास बोलने के बजाय, जिसका मतलब स्पेनिश में गुड मॉर्निंग होता है, आपको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, इन सबको एक साथ में सीखना चाहिए। जब आप एक साथ सिमिलर कंसेप्ट याद रखने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन सब में कनेक्शन फॉर्म करने लगता है और आपके लिए उस इन्फॉर्मेशन को याद रखने के बजाय एक साथ सिमिलर इन्फॉर्मेशन को याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। सी स्टैंड करता है कैटेगराइजिंग के लिए। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए, वहीं दूसरे ग्रुप को भी सेम वर्ड्स दिए गए, बट साथ ही उन्हें कहा गया कि इन्हें याद रखने के साथ साथ इन वर्ड्स को अच्छे से कैटेगराइज भी कर दें, जिसके बाद ये पता चला कि सेकंड ग्रुप ने फर्स्ट ग्रुप को मेमोरी के मामले में पीछे छोड़ दिया। उन्हें पहले ग्रुप से ज्यादा वर्ड्स याद थे। कैटेगराइजिंग के पीछे की थ्योरी कहती है कि अगर आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हैं या कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो कि बहुत वास्ट है, जैसे अगर कोई मेडिकल की स्टडीज कर रहा है तो उसमें उन्हें बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी होती हैं, जिसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट सिर्फ याद करने के बजाय उसे कैटेगराइज करना स्टार्ट करो। उस नॉलेज को और ज्यादा ब्रेक डाउन करके उसके अराउंड एक सिस्टम क्रिएट करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ, ताकि उससे वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में इधर उधर पड़ी ना रहे। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।